यूपी के एटा जिले में बड़े मियां छोटे मियां की दरगाह के समिति के सदस्यों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। सभी सदस्यों पर करीब 99 करोड़ की गबन करने का आरोप है। इसी को लेकर ग्राम प्रधान की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बड़े मियां छोटे मियां की दरगाह को जिला प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है। साथ ही मामले की जांच में जुट गई है। 9 लोगों पर मामला दर्ज होने के बाद सभी समिति के सदस्य फरार हो गए हैं, जिसके बाद दरगाह पर भगवा झंडा भी लगा दिया गया है। दरअसल जलेसर के विधायक संजीव दिवाकर की पहले काफी समय से इस पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे, लेकिन अब जाकर जिलाधिकारी ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। बता दें कि दरगाह का संचालन 7 सदस्यीय कमेटी द्वारा किया जाता था, लेकिन प्रशासन को दरगाह कमेटी के बारे में साल 2018 से ही वित्तीय अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। कमेटी द्वारा कोई ब्यौरा नहीं दे पाने पर प्रशासन ने 10 मार्च 2022 को दरगाह कमेटी को नोटिस जारी किया था, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई की गई है। ऐसा है, इसमें जो जयसर देहात के जो प्रधान थे, उन्होंने मुझसे जो पिछली बार माननीय हमारे यहाँ से जो माननीय विधायक थे कुमार सिंह जी द्वारा प्रयास किया गया था, और उस प्रयास को मैं आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि यहाँ काफ़ी वर्षों पुराना शनिदेव का मंदिर हुआ करता था, और उसी पहल को लेके आगे बढ़ के हमने सारे कार्य लेके और ऊपर से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये उनसे मिले, क्योंकि हमारा वर्षों पुराना यहाँ काफ़ी यहाँ शनिदेव का मंदिर हुआ करता था। वो हिंदू धर्म में शनिवार को ही शनिदेव को पूजा की जाती है, तो ये जब हमको सारे एविडेंस मिले तो उसमें आगे बढ़े, और आज वही परिणाम है कि जो पिछली हमने जो मेहनत करी उसका परिणाम आज हम उसमें सफलता मिली, और आज प्रशासन नियुक्ति का जो डीएम साहब ने आदेश किया है हम उसका स्वागत करते हैं। ये थाना जिले के अंतर्गत स्थित ग्राम शंकरगढ़ ग्राम ये दरगाह है, और इसमें पिछले काफ़ी समय से अवैध धन अर्जित करने के संबंध में शिकायतें थी, जिसकी जांच जिलाधिकारी द्वारा की गई, और उनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर एक अभियोग थाना जिले में पंजीकृत हुआ है, जिसमें कुल 9 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ है और इसमें छानबीन कर गई। तो दरगाह कमेटी के सदस्यों पर एफआईआर के आदेश हो गए हैं। जनता के साथ क्या ये धोखा हुआ है आस्था के नाम पर, ये एक बड़ा सवाल है। बड़े मियां छोटी मियां दरगाह कमेटी के सदस्यों पर मामला दर्ज हुआ है। 7 सदस्य कमेटी दरगाह का संचालन करती है, और इस पर अब बड़े मियां छोटे मियां की दरगाह का ये पूरा मामला एक्शन की तैयारी, दरगाह कमेटी के सदस्यों पर एफआईआर के आदेश भी हुए हैं। तो दरगाह पर घोटाले का सौदा हुआ, यह आरोप 7 सदस्य कमेटी पर लगे हैं। रविकांत जुड़ गए हमारे साथ संवाददाता लाइव इस खबर पर। रविकांत, क्या है पूरा मामला बताइए, कैसा घोटाला हुआ और उजागर कैसे हुआ, अभी एक्शन क्या हो रहा है इस पर? रविकांत, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अगर आप म्यूट हैं तो अनम्यूट करिए। जी सर, मैं ये कह रहा हूँ, जिस तरह से ये मामला सामने आया है 99 करोड़ रुपए का जो घोटाला है, जो मस्जिद को ले, छोटे मियां बड़े मस्जिद को लेकर है, जिसमें जो चौड़ौती चढ़ती है और जो लोग बाहर से लोग आते हैं अपनी मुरादे को लेकर चौड़ौती चढ़ाते हैं, उसमें इन लोगों को ये ठगते हैं बच्चों के नाम से के बच्चे वगैरह ये है कि बच्चे की मुरादे लेकर आते हैं, तो उनको ठग विद्या करते हैं, जिसकी वजह से जो शिकायत करता है प्रधान शैलेंद्र कुमार, उन्होंने शिकायत की थी एसडीएम के पास उन्होंने शिकायत की, तो एसडीएम ने इस बारे में जांच भी की, तो उसमें जांच में उन्होंने नोटिस ही भेजा, तो उस नोटिस का कोई जवाब नहीं दे पाए, तो उन्होंने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई, जिनके 9 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें कुछ सभी लोग वहां से मौके से फरार हो गए हैं, उनके घर में ताला लगा हुआ है, पुलिस छानबीन भी कर रही है और इस मामले को लेकर बड़ी ही सतर्कता से काम किया जा रहा है। जी प्रकाश, चलिए शुक्रिया आपका रविकांत जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए।